देते, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोग एक छोटा सा शेल्टर बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बांस यानी बेम्बू काटने के लिए आए, और ये पांचवा बांस है और हम लोग यहाँ काटने स्टार्ट। लड़का पूरी मेहनत कर रहा है पर इसके इसके और बचा रहे हैं ताकि हम अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर सके, अपने एनिमल्स पे इन्वेस्ट कर सके। और हम जो हैं देख कैसे देख रहे हैं हम सब बैठ के, और ये हमारे टीम मेंबर्स, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं जो इन्होंने मेहनत नहीं किया, लेकिन हम लोग अभी दर्शक बन के देख रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये ना दिखावटी के लिए सिर्फ मांस काटता है। मेरा नाम है हंसु और मैं हूँ इस वक्त बिहार में, और बिहार में मैं कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और जैसा कि मेरे पीछे ये जगह देख पा रहे हो, यहाँ पे हम एक छोटा सा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे हम जानवरों को रख सकते हैं। बांस खींचने में हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि जब बांस फंस जाता है ना तो दिक्कत होता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो ये गांठों में लग जाता है बांस, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है हमें, बस कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। तो फाइनली निकल गया। ये आदित्य जो कि ये पांचवा बांस काट रहा है, सुबह से बांस काटने में लगे हुए हम सब यहाँ पे। और फ्रेंड्स, हमारा बांस कट चुका है। पास में सती माता का मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छा स्टोरी है इनका भी, कभी अगर टाइम मिला तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे इनके ऊपर। और पीछे शमशान घाट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पानी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास में दुकान नहीं है जहाँ से हम पानी लेके ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे बांस है जहाँ पे अभी हम काट रहे हैं, और यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा रहता है। सारे बच्चा टीम निकाले हैं और यहाँ पे है बांस बिल्कुल फंसा हुआ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि बांस फंसा होता है तो मुश्किल होता है निकलने में। फाइनली हमारा बांस निकल चुका है, अब निकल चुका है। बच्चा पार्टी ने निकाल दिया है, और बच्चा पार्टी का लीडर हमारा स्मार्टी। हम इसके हल्के हल्के टहनियों को काट देते हैं जिससे कि ले जाने में हमें दिक्कत ना हो, और ये दादी को हम दे रहे हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, साइकिल से ले जा रहे हैं बाबू को। बांस ले जा रहे हैं बंबू अंकित, और पीछे आदित्य लगा पड़ा है, शायद आपको दिख पा रहा है या नहीं। और यहाँ पे टर्निंग है और साफ हो रहा है बाइक से, और एक भाई साहब जो कि आगे हमारे, उनका बांस नीचे गिर चुका है, वो रुके पड़े हैं हमारे लिए। यहाँ हम सबका हालत ख़राब हो रखा है काम करते करते, और यहाँ पास में शादी हो रहा है, इस वजह से आप देख सकते हो सबका हालत बुरा हो रखा है। और आप देख रहे होंगे अभी 11:30 बजे, और हम लोग ने कुछ नहीं खाया अभी तक, चाय भी नहीं पिया हमने अभी तक। हम लोग अभी सुबह से बासी मुंह में हैं, और जाएंगे तो अब थोड़ा सा कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, थोड़ा सा काम को रेस्ट देंगे और फिर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर ऐसे आपको चारों ओर गाने की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड म्यूजिक में, तो हम करते हैं काम और मिलते हैं आगे आपसे। फिर मैं फिर घर आके इन बच्चों को खाना खिलाया, ये बच्चे भूखे थे तो इन बच्चों को खाना खिला के फिर मैं वापस से जाऊंगा और काम में लग जाऊंगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी शेल्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि जानवर अपने पास ज़्यादा ही आ रहे हैं धीरे धीरे। और इसके बाद मैं उल्लू को खाना डाल रहा हूँ, और ये उल्लू भाई साहब तो गलत ही खुश हो गए हैं, इसे लीवर कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो इस वजह से मैं चिकन लीवर देता हूँ इसे। जो आप ये सारे बम्बू देख रहे हैं, ये सारे बम्बू को चार पार्ट में किया जाएगा, चार भाग में, और उसके बाद
इनको अच्छे तरीके से छीलेंगे और उसके बाद ये खट्टा बनेगा। और जब तक ये खट्टा बन रहा है तब तक हम चल रहे हैं बाज़ार और थोड़ी सी पिन्नी और थोड़े बहुत खाने की चीज़ लेके आ रहे हैं। क्या लेके जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक। तो फाइनली हमने सारे चीज़ लेके अब हम चल रहे हैं घर और ये रास्ते का आनंद लेते हुए। और यहाँ पे फट्टे भी काफ़ी सारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ बच्चे भी देखने आए हैं।